अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 2.6 समझाने वाला हूँ। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको पहले एक वीडियो में मैंने समझा दिया, आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा इसका। इसमें क्या पूछ रहे हैं, मदरज ज़िल को ए जमा बी आयोटा की शक्ल मुख्तसर करें। दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जुज जो है वो ये है, -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। दोस्तों ये सवाल भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आता है, लॉन्ग नहीं आएगा, हल करने जा रहा हूँ। आप हमने इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ। आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट को आपस में ज़रब कैसे करना है मैं बताता हूँ। इसका जो फर्स्ट डिजिट है ये है, हम इसको -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, -7 मल्टीप्लाई -3 प्लस -7 मल्टीप्लाई -2 आयोटा। तो ये आएगा। अब इसके बाद हमने 3 आयोटा को हमने -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 3 आयोटा मल्टीप्लाई -3 और प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, ये मैंने लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसको मुख्तसर करना है। उसने कहा मुख्तसर करना है, अब हमने इसको मुख्तसर ही करना है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 3 = 21 आ गया। आप देखें इस ब्रैकेट के अंदर हम करते हैं, इधर ब्रैकेट में एक माइनस है तो ये माइनस इसके साथ माइनस प्लस के साथ जब मिलेगा तो ये माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस हो गया। 7 × 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आयोटा। अब इसके बाद ये इधर भी ये एक माइनस है तो एक माइनस ये प्लस के साथ मिलेगा तो ये भी माइनस रहेगा, और 3 × 3 = 9 आयोटा। अब इसके बाद लास्ट में चलते हैं, इधर प्लस आएगा क्योंकि इधर दोनों पॉजिटिव में हैं इसीलिए इधर प्लस आएगा, और 3 × 2 ये 6 आ जाएगा, और आयोटा 2 है इधर तो ये दोनों आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब दोस्तों ये एक पॉइंट में हमने इसको काफ़ी हद तक मुख्तसर कर लिया, अब अगले पॉइंट में हम चलते हैं। इसको जिस हद तक होता है इस हद तक हमने इसको मुख्तसर करना है। अब चलते हैं हम 21 माइनस, आप देख रहे हैं 14 आयोटा और 9 आयोटा आपस में दोनों माइनस हैं, इनके अलामत संबल सेम है तो हम इनको जमा कर देंगे। 14 + 9 करते हैं तो हम तो इसका जवाब -23 आ जाएगा, 23 आयोटा। अब क्या बता प्लस, अच्छा इधर आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्या आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, -1 के बराबर होता है, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख सकते हैं, +6 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया, इतना हल हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 21 - 23 आयोटा। अब ये माइनस प्लस ये नेगेटिव में आ जाएगा 6, अब 21 - 6 कर दें तो जवाब कितना आता है, 15 - 23 आयोटा। दोस्तों अब इससे ज़्यादा ये मुश्किल नहीं होगा, अब ये आपका क्वेश्चन आ गया, इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं।